हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। दोस्तों, माओ के लिए ठंड का मौसम कुछ चुनौतियां लेकर आता है, जैसे कि इस मौसम में अपने बेबी को गर्म कैसे रखें। 2 साल की उम्र तक बेबी बड़ों की तरह खुद अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको ही उस सर्द मौसम में गर्म रखने की तैयारी करनी होगी। जब शरीर को ठंड से बचाने और गर्म रखने की बात आती है, तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि बेबी को कई लेयर्स में कपड़े पहना दिए जाएं, लेकिन ये सही नहीं होता है। इससे बच्चे में कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बेबी को ओवरहीट और गर्म रखने के बीच संतुलन बनाकर चलना काफी मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, जिनकी मदद से आप सर्दियों के मौसम में अपने बच्चे को गर्म रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, बेड पर क्या पहनकर सोए। दोस्तों, सर्दी में बच्चों के हाथ और पैर आसानी से ठंडे हो जाते हैं, इसलिए आप इन्हें गर्म रखने की तैयारी करें। बेबी को ऊनी और हल्के फ्लीस गार्मेंट पहनाएं, हाथ पर दस्ताने और पैरों में जुराबे पहना कर रखें। बहुत ज्यादा कपड़े पहन कर रखने से बेबी को खुजली हो सकती है, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2, बेबी के लिए कब है ज्यादा ठंड। दोस्तों, आपको ये जानने की दिक्कत हो सकती है कि बेबी के सोने के लिए कब ज्यादा ठंड है और कब कम सर्दी है। डॉक्टर्स के अनुसार बेबी के कमरे का सामान्य तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इससे नीचे तापमान होने का मतलब है कि बेबी के सोने के लिए ठंड ज्यादा है। ठंड की वजह से सोते हुए ही बच्चे को जुखाम हो सकता है। खिड़कियां बंद रखें और कमरे में जरूरत के हिसाब से रूम हीटर का इस्तेमाल करें। नंबर 3, कैसे जाने बेबी को ठंड लग रही है। दोस्तों, सर्दी में बेबी की बॉडी का तापमान चेक करने के लिए आप उसके पेट और गर्दन के पीछे हाथ लगाएं। अगर ये हिस्से ठंडे पड़े हुए हैं, तो बच्चे को कुछ और कपड़े पहना दीजिए। आप बेबी के हाथ पैर भी देख सकती हैं कि वो ठंडे हैं या फिर नहीं। इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को ठंड लग रही है या फिर नहीं। नंबर 4, कैसी ब्लैंकेट चुने। दोस्तों, आप बेबी के लिए हल्की ब्लैंकेट ही चुने। भारी कंबल आदि से बच्चे को घुटन हो सकती है। आप बेबी के ऊपर हल्की हल्की कई चादरें डाल सकती हैं, या फिर कोई हल्का सा कंबल लेकर डाल सकती हैं। आप बच्चे के लिए पहनने वाली ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद कंबल या फिर रजाई ओढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। बाजार में ये आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए आप सही चीजों का इस्तेमाल करके अपने बेबी की केयर कर सकते हैं। नंबर 5, बेबी को ओवरहीटिंग से कैसे बचाएं। दोस्तों, ठंड से बचाने के लिए बेबी को कई लेयर्स में कपड़े पहनाने पर बॉडी ओवरहीट कर सकती है, इसलिए आप बेबी का बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहें और उसके हिसाब से ही लेयर कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अगर रूम हीटर चल रहा है, तो कमरे में हवा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।